औज़ु बिल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग कंप्यूटर के नोट्स बाय करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ में, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इजी पैसा के थ्रू आप मुझे मनी सेंड कर सकते हैं। अगर आप लोग नहीं बाय करना चाहते तो मैंने डाटा बेस शॉर्ट क्वेश्चन, सी प्रोग्रामिंग के लॉन्ग क्वेश्चन, डाटा बेस के लॉन्ग क्वेश्चन और फुल बुक के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच या बाय फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच कर सकते हैं। अगर आपने बाय करने हैं तो वो PDF की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसकी पेयरिंग स्कीम आप मैं आपको पासिंग फॉर्मूला बता रहा हूँ कि कौन से चैप्टर आप करके इजीली पास हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपने चैप्टर नंबर 2 कर लेना है, चैप्टर नंबर 4 करना है, चैप्टर नंबर 6 कर लेना है, 6, 2 और 4 कर लेना है आपने क्वेश्चन नंबर 2 में, चैप्टर 2, 4 और 6। तो इसमें से आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे 9 में से, तो आपने 6 और 6 12 नंबर का आपका यहाँ 12 नंबर आपको क्वेश्चन नंबर 2 से मिल जाएंगे 3 चैप्टर से। फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 3 में आपने चैप्टर नंबर 8 और 9 लाजमी कर लेना है, क्योंकि दो हैं, 14 में से एक सवाल आना है, इसको आप स्किप कर दें। 4 4 8 हो जाएंगे, इसमें से 6 करने हैं आपने, ठीक है। 12 यहाँ से नंबर आ गए, 12 यहाँ से आपके नंबर आ गए। फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर नंबर 10 और 11 कर लें, 12 को स्किप कर दें, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। 3 और 3 9, इसमें से भी आपने 6 करने हैं। इसमें से आपने 3 3 9 10 11 11 क्वेश्चन है, इसमें से आपने शायद 9 करने हैं, 9 आपने इसमें इस पोर्शन में करने हैं। तो इसमें आपके 9 9 18 18 12 और 12 कितने हो गए, 18 12 और 12। यहाँ पे इसका टोटल करते हैं ताकि आपको पासिंग फॉर्मूला भी पता लग जाए। 18 12 12 और आपके MCQs कितने नंबर के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 नंबर के आपके MCQs हैं। और चैप्टर 9 MCQs के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 MCQs आएंगे। MCQs आप लोग 5 पेपर वाले कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, वो लाजमी आपने वॉच करनी है, और लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी हुई है, सी प्रोग्रामिंग और डाटा बेस के, तो भी आपने लाजमी कर लेने हैं, ठीक है। 12 और 15 के आपके हो गए MCQs, तो कितने हो गए, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17, एक कैरी चला गया, 1 2 3 4 5 57 नंबर आप लोग स्कोर कर सकते हैं शॉर्ट और MCQs को करके, जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 2 4 6 8 9 10 और 11 कितने हो गए चैप्टर, 1 2 3 4 5 6 7 सात चैप्टर करके आप लोग अपने पेपर में पास हो सकते हैं। और वो सात चैप्टर कौन से हैं यहाँ पे लिख देते हैं, चैप्टर नंबर 2 4 6 8 10 8 9 10 और 11, ये सात चैप्टर ऐसे हैं जिनको करके आप लोग 57 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। सारे सारे चैप्टर्स के MCQs कर लें पास पेपर वाले, और साथ में ये सात चैप्टर कर लें, तो आप लोग इजीली अपने पेपर में पास हो जाएंगे, ठीक है। देखें बहुत ज़्यादा गर्मी है और पसीना भी आ रहा है, लाइट भी ऑफ है, लाइट भी नहीं आ रही, मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, तो आप लोगों मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, मेरे लिए इतना ही काफ़ी होता है। तो ये सात चैप्टर करके आप लोग 57 नंबर स्कोर कर सकते हैं। इसके साथ आप प्रोग्राम को सेलेक्ट कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 12 का प्रोग्राम आएगा आपका, एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से भी हो जाएगा, तो आप यहाँ पे 65 तक नंबर इजीली अपने पेपर में स्कोर कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ सात चैप्टर्स को करें, सात चैप्टर नंबर 12 में से जो प्रोग्राम आना है उसको कर लें। इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स मैंने अपने सी लैंग्वेज के पोर्शन में बता दिए हैं, वो भी आप जाके दे सकते हैं चैप्टर नंबर 12 के। तो यही मैंने आपको कहना था, सात चैप्टर ये कर लें, साथ एक प्रोग्राम कर लें, और साथ ही उसके MCQs कर लें, तो इंशाल्लाह आप लोग इजीली अपने पेपर कंप्यूटर के पेपर में पास हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने PDF बाय करना है तो सिर्फ और सिर्फ आप उसको 200 रुपीज़ में बाय कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।